गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट एसे एंड द नेम ऑफ योर एसे इज एन अनवेलकम गेस्ट। एन अनवेलकम गेस्ट यानी बगैर बुलाया हुआ मेहमान। एन अनवेलकम गेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान। लेट अस स्टार्ट दिस एसे। द ट्रबलसम गेस्ट यानी जो परेशान करने वाले जो मेहमान होते हैं ना, आर द बिगेस्ट नॉइसेंस। तो ये क्या होती है, नॉइसेंस का मतलब होता है परेशानी। वे एक बड़ी परेशानी होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, वे एक बड़ी परेशानी होते हैं। आउट ऑफ पोलाइटनेस यानी हम उनसे प्यार से बातें भी नहीं करना चाहते। आउट ऑफ पोलाइटनेस वी हैव टू एंटरटेन देम, तो हमें उनका एंटरटेन करना होता है, हमें उनका मन बहलाना होता है। एंटरटेन करना मतलब मनोरंजन करना। हम उनसे भाई पोलाइट भाई विनम्रता से बात भी नहीं करना चाहते, फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उनका मन बहलाना पड़ता है। बट इन आवर हार्ट्स लेकिन हमारे दिलों में, बट इन आवर हार्ट्स लेकिन हमारे दिलों में वी फील डैट हम ऐसा महसूस करते हैं। वी फील डैट हम कैसा महसूस करते हैं, दे आर ए बर्डन कि वे एक बोझा हैं, उनको हम बर्डन मानते हैं। अनवेलकम गेस्ट को क्या मानते हैं, हम बर्डन बोझा मानते हैं। वी कर्स देम हम उनको क्या करते हैं, कोसते हैं। वैसे चे गेस्ट कम जब ऐसा कोई मेहमान आ जाता है तो हम उनको कोसते हैं, गालियाँ देते हैं मन ही मन में। वी फाइंड आवर सेल्व इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, तो हम एक अलग स्थिति में अपने आप को पाते हैं। हम कहाँ पाते हैं, हम अपने आप को एक अलग स्थिति में पाते हैं, स्ट्रेंज सिचुएशन में पाते हैं। वी कैन नॉट टेल हिम फ्रेंकली, हम उनको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। टू गो अवे वहाँ से जाने के लिए, हम उनको वहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बट वी डू नॉट विश टू टॉलरेट हिम, लेकिन हम उनको सहन भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको सहन भी नहीं कर सकते। बट वी डू नॉट विश टू टॉलरेट हिम। लास्ट ईयर पिछले वर्ष वी हैड सच एन अनवेलकम गेस्ट, ऐसा ही एक बिन बुलाए मेहमान हमारे घर पे आ गया। ऐसा ही एक बिन बुलाया जो मेहमान है वो हमारे घर पे आ गया। ही केम टू अस एट नाइट, वो हमारे पास कब आया, रात के वक्त आया। ही वी हैड प्लान्ड टू गो ऑन ए ट्रिप, तो हमने एक टूर की प्लानिंग कर रखी थी। द नेक्स्ट डे भी अगले दिन हमें टूर पर जाना है, नेक्स्ट मॉर्निंग। ऑल्दो ही नीव इट, यद्यपि उसके बारे में जानता था। येट ही इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग विद अस, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ ठहरने का आग्रह किया। वी हैड टू पोस्टपोन आवर प्रोग्राम, तो हमें अपना प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करना पड़ा, हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। टू डेज भाई दो दिन के लिए हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। ही बोर्ड अस, उसने हमें उबा दिया। विद हिज यूजलेस टॉक, अपनी नीरस बातों के द्वारा उसने हमें क्या कर दिया, उबा दिया। ही लेज ऑन द सोफा, वैसे वो सोफे पर लेटा रहा। विद डर्टी फीट, गंदे पैरों से। ही लेफ्ट मडी फुट स्टेप्स ऑन द कारपेट, उसने कालीन के ऊपर अपने गंदे पैर रखे। ही इंटरफेयर्ड इन आवर फैमिली मैटर्स, उसने हमारे फैमिली मैटर्स में जो पारिवारिक मामले थे तो उस पारिवारिक मामलों में भी उसने क्या किया, दखल दिया। तो ही इंटरफेयर्ड का मतलब होता है दखल देना। इन आवर फैमिली मैटर, जो हमारे पारिवारिक मामले थे तो उन मामलों में भी उसने दखल दिया। इन द एंड, अंत में वी फेल्ट ए लॉट ऑफ रिलीफ, हमें बहुत सारी राहत की सांस मिली। इन द एंड, अंत में क्या हुआ, हमने बहुत सारी राहत की सांस ली। वैन ही लेफ्ट अस, जब वो हमें छोड़कर चला गया ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा राहत की सांस मिली। तो प्यारे बच्चों, आप बताना ये आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिख करके आप भेजना, और ये बताना आपको ये चैनल कैसा लगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत, MENJIT सिंह SINGH लठवाड़ LATHWAL। तो इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।